देखिए इस वक्त हम पुलिस मुख्यालय में मौजूद है और यहाँ पर अभी राज्य स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीजीपी ने की और इस बैठक में तमाम जिलों के एसपी और एसएसपी मौजूद रहे, ऑनलाइन जुड़े वो। और इस बैठक में किस तरह से झारखंड में लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध चरम पर है, इन तमाम चीज़ों पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। क्योंकि अभी हाल के दिनों में ही एटीएस के डीएसपी और थानेदार दारोगा के ऊपर फायरिंग की घटना सामने आई है और इस फायरिंग में कौन से ग्रुप्स शामिल हैं, किस तरह से जेल से पूरा क्राइम कंट्रोल हो रहा है, तो तमाम इन चीज़ों पर चर्चा हुई और किस तरह से इस पर लगाम लगाना है, किस तरह से झारखंड में अपराध को शून्य पर लेकर जाना है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है और रणनीति तय की गई है यहाँ पर कि इस रणनीति के तहत आगे झारखंड में क्राइम कंट्रोल करना है। ये बैठक जो थी मुख्य रूप से क्राइम कंट्रोल के लिए, अपराध के जो रोकथाम है निरोध के लिए, उसके ये मीटिंग पहले से ही बुलाई गई थी। तो बेसिकली इस बार फोकस ये था कि जितना यहाँ पर संगठित अपराध है, जो हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उनको किस तरीके से उनकी समीक्षा की जाए और उन पर रोकथाम लगाई जाए। उसी के आलोक में सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सभी जितने डीआईजी हैं, सभी आईजी और मुख्यालय के जो भी सीनियर ऑफिसर थे, सबको फिजिकली यहाँ पर बुला करके जो घटनाएं घटी हैं, जो पीछे उसके अंदर गैंग इन्वॉल्व हैं, जो अपराधी इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में जानकारी ली गई और आगे का कैसे किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाएगी, किस तरीके से ये अपराध जो है इनमें कमी आए, उसके बारे में समीक्षा और आवश्यक उसके बाद डिसीजंस लिए गए हैं। सर, दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने, डीएसपी और दारोगा को गोली मारी गई, ऐसा आमतौर पर कभी झारखंड में हुआ नहीं। ये जो था घटना, उससे पहले से ही घटनाक्रम स्टार्ट हो चुका था। ये जो जितने संगठित अपराध हैं उनके विरुद्ध एटीएस ने अपना बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, गैंग के हिसाब से कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, डिटेन भी हुए थे। उसी गिरफ्तारी में कुछ अपराधियों की निशानदेही पर बरामदगी के लिए वो टीम गठित की गई थी और वो टीम अपनी जगह ठीक जगह पहुँची थी। वहाँ पर जाने के बाद जैसा कि होता है किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो आर्मी का ऑपरेशन हो, चाहे हम लोग का पुलिस का ऑपरेशन हो, कुछ ना कुछ कंपोनेंट, हर जगह सफलता 100% नहीं मिलती है, कई बार 1% 2% असफलता नहीं भी मिलती है। तो उससे सीख करके फिर आगे की कार्यवाही की जाती है। ये जो जिस तरीके के अपराधी हैं, ये लगातार इस तरीके से नए नए जितने भी लड़के हैं, जितने भी नवयुवक हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको भरमा करके कुछ पैसों का लालच दे करके अपने गिरोह में भर्ती करते हैं और धमकी देना, एक्सटॉर्शन करने काम पर लगी हुई है। लेकिन झारखंड सरकार ने और झारखंड पुलिस ने इसको ठान लिया है कि जब तक इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के साथ काउंटर कर रहे अपराधी, क्या उनके साथ क्या वेपन्स था, क्या इंटरनेशनल इन्वॉल्व भी था क्या? सर, इतने अच्छे पुलिस के साथ काउंटर करना तो ये बहुत मतलब ताजुब की बात है कि अपराधी इतना हाईटेक हो गए। इसमें बात वो नहीं है, बात यह है कि जब भी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कोई किसी चीज़ के लिए पुलिस या दूसरी एजेंसी जाती है तो वहाँ खतरा हमेशा बना रहता है। और वो चांस की बात है कि वो एक ये इंसिडेंट इस तरीके का हुआ जिसमें कि अपराधी ने पहले हमला किया तो उसमें हमारे दो अफसर को चोट लगी है। बाकी इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, उसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, प्रॉपर ब्रीफिंग की जाएगी। जी सर, एक सवाल है, रांची जेल में भी एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कई बार उसे हटाने के लिए कहा गया, वो मदद करता है अपराधियों की, कई एसपी ने भी रिपोर्ट की है, लेकिन वो हटा नहीं, ऐसी जानकारियां हैं मुख्यालय के पास? जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी कमियां जेल में हैं, जेल के जो तंत्र है, जो सिस्टम है उसके अंदर, वो सब सरकार के लेवल पर भी उनकी जानकारी है और वहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।